हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक पांडा वेब। मैं हूं आपका दोस्त राणा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगा। आज हमारे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये जो 1000 सब्सक्राइबर है, जो हमारे चैनल में 1000 मेंबर अब जुड़ चुके हैं, ये बिना आपके सपोर्ट के नहीं हो पाता। तो ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, वो इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है। दोस्तों, जब हम सब कंप्यूटर यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो हमें बताया जाता है कि अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को प्रॉपर शटडाउन करना चाहिए, ना कि उसको डायरेक्टली पावर ऑफ करना चाहिए या अनप्लग करके बंद करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा क्या रीज़न है कि हमें प्रॉपर अपने कंप्यूटर को शटडाउन करना चाहिए, ना कि डायरेक्टली उसको अनप्लग करना चाहिए? दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? और जब हम प्रॉपर उसको शटडाउन करते हैं या डायरेक्टली जब उसको ऑफ करते हैं तो हमारे सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है दोस्तों? तो दोस्तों, होता क्या है कि जब आप अपने सिस्टम को यूज़ करते रहते हैं तो आप अपने सिस्टम पे काफ़ी सारे वर्क करते हैं, जैसे एक्सेल पे काम करते हैं, वर्ड पे काम करते हैं, या एडोब के फोटोशॉप में काम करते हैं। साथ साथ में जब हमारा सिस्टम रन करता रहता है तो बैकग्राउंड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसकी कुछ फाइलें अपडेट होती रहती हैं, जैसे रजिस्ट्री अपडेशन चलता रहता है या कुछ बूटअप की फाइलों में चेंजेस होते रहते हैं। साथ में हमारे हार्डवेयर भी रन करते रहते हैं, जैसे हार्ड ड्राइव में कुछ चेंजेस होते रहते हैं, डेटा आपका रीड होता रहता है, राइट होता रहता है, कुछ अपडेट्स रन करते रहते हैं बैकग्राउंड में। तो जब आप अपने सिस्टम को डायरेक्टली अनप्लग कर देते हैं या मीन्स आप डायरेक्टली पावर ऑफ कर देते हैं तो ये सारी फाइलें को सेव होने का टाइम नहीं मिलता है और ये क्रैश कर जाती है। तो मीन्स जब आप उसको नेक्स्ट टाइम बूट करते हैं अपने सिस्टम को, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपके सिस्टम कभी प्रॉपर स्टार्ट नहीं होता है या रिपेयर का ऑप्शन होता है, तो कभी तो आपका सिस्टम करप्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर एक न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। और जब आप अपने सिस्टम को प्रॉपर शटडाउन करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक मैसेज आता है, शटडाउन का प्रोसेस आता है, स्क्रिप्ट चलती है और वो अपने जितने भी रनिंग प्रोसेस होते हैं सबके पास एक मैसेज ड्रॉप करता है कि आपके जो भी टास्क हैं उनको आप क्लोज कर लीजिए, सेव कर लीजिए। तभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब आप शटडाउन पे क्लिक करते हैं तो अगर आप किसी वर्क फाइल पे काम करते रहते हैं या किसी एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो आपके पास एक क्लोज का मैसेज आता है कि अपने टास्क को आप सेव कर लीजिए या क्लोज कर लीजिए, आपका सिस्टम शटडाउन होने वाला है। आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो भी बैकग्राउंड में फाइलें रन करती रहती है, जो भी अपडेट चलता रहता है, उनको एक सेव होने का टाइम मिल जाता है और वो एक गुड टाइम पे आके सेव हो जाती है और उसके बाद आपका सिस्टम प्रॉपर शटडाउन होता है। और जब वो नेक्स्ट टाइम स्टार्ट होता है तो कोई सी भी फाइल आपको करप्टिव मिलती है और आपका प्रॉपर सिस्टम स्टार्ट होता है, बूट होती है, सारी फाइलें आपको बिल्कुल गुड एंड हेल्दी मिलती हैं। और प्रॉपर जब आप अपने सिस्टम को शटडाउन करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो हार्डवेयर परफॉर्मेंस होते हैं, रैम का या और जो भी आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, हार्ड ड्राइव की, उनकी एक हेल्थ बनी रहती है और आपका सिस्टम काफ़ी टाइम तक बिल्कुल गुड कंडीशन में होता है। दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद जब सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं और जो फाइलें जब इंस्टॉल होने लग जाती है तो आपके पास एक मैसेज बन के आता है कि डोंट पावर ऑफ योर सिस्टम। उसमें क्या होता है कि अगर आप उस टाइम अपने सिस्टम को पावर ऑफ कर देते हैं तो जो भी फाइलें इंस्टॉल होती रहती हैं, जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस होते रहते हैं, वो उसी टाइम पर रुक जाते हैं और वो करप्ट हो जाते हैं। इससे चांसेस होता है कि आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डैमेज हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपकी कोई सी भी क्वेरी हो कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टेक पांडा वेब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।